हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर सीरीज़ में आज हम लोग देखेंगे 22 मार्च 2022 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे, प्रभावी बहुपक्षवाद इफेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार बोर्ड में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रघुराम राजन, ऑप्शन बी है जयति घोष, ऑप्शन सी है अभिजीत बनर्जी, ऑप्शन डी है अमर्त्य सेन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जयति घोष। इफेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार बोर्ड में जयति घोष को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, विश्व जल दिवस 2022 का विषय क्या है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ऑप्शन बी है सेव वाटर सेव मनी, ऑप्शन सी है वी कैन डू इट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, बंगाल की खाड़ी पर बन रहे नए चक्रवात का नाम असनी रखा गया है। कौन से देश ने इस चक्रवात का नाम दिया है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है नेपाल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, असली नाम किसने दिया है, श्रीलंका ने। अच्छा, साइक्लोन का निर्माण कैसा होता है। चक्रवातों के निर्माण में साइक्लोजेनेसिस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इस साइक्लोजेनेसिस क्या है, तो साइक्लोजेनेसिस वातावरण में जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है, चक्रवाती परिसंचरण, इसको क्या करता है, मजबूत करता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि चक्रवातों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक फैक्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, साइक्लोजेनेसिस। इसमें क्या होता है कि समुद्र की सतह पर नम और गर्म हवा अधिक ऊपर उठती है। जब हवा गर्म होती है तो हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है। यह सतह के पास कम दबाव के क्षेत्र का कारण बनता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो सरफेस के पास कम प्रेशर डेवलप होता है। इसके कारण आसपास के क्षेत्रों से ठंडी हवा कम दबाव के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। डायरेक्शन कैसे होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जिससे ठंडी हवा गर्म और गीली हो जाती है और जिससे ऊपर उठती है। चक्र कंटिन्यू रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप बादल का विकास होता है। यह हवा और बादल प्रणाली तब फैलती है और साथ ही घूमती है, जो एक चक्रवात में परिणत हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स कहाँ आयोजित किया जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है दुबई, ऑप्शन बी है लंदन, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है बीजिंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दुबई। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो दुबई में। ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सैन्य अभ्यास एक्स डस्टलेट यहाँ पे टी है, किन दो देशों के बीच होता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत और नेपाल, ऑप्शन बी है भारत और मालदीव, ऑप्शन सी है भारत और कजाकिस्तान, ऑप्शन डी है भारत और उज्बेकिस्तान। तो एक्स डस्टलेट कहाँ होता है, किन दो देशों के बीच होता है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। और एक कहाँ हुआ था, तो उज्बेकिस्तान में ही हुआ था, एक जगह है वहाँ पे उज्बेकिस्तान में, यांग्रिक। नेक्स्ट आते हैं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की संयुक्त रूप से कहाँ विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन करेंगे। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अच्छा, फिक्की के प्रेसिडेंट कौन है, संजीव मेहता। इनके पहले कौन थे, तो उदय शंकर 2020-21 के लिए, और 2021-22 के लिए कौन है, संजीव मेहता। और फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट आते हैं,
सीमित देयता भागीदारी जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, 2008 में संशोधन किस तारीख से प्रभावित होंगे? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 मार्च, ऑप्शन बी है 1 अप्रैल, ऑप्शन सी है 2 मई, ऑप्शन डी है 31 मई। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1 अप्रैल। अच्छा, LLP क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या है? तो पहले जब स्टार्टअप शुरू करते थे लोग, तो उनके पास 2 ऑप्शन होता था, या तो पार्टनरशिप में या प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्ट्रेशन करवा के। फिर तीसरा ऑप्शन आया LLP। तो LLP बेसिकली क्या है, पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड का एक मिक्सचर है। LLP क्या है, प्राइवेट लिमिटेड और पार्टनरशिप का मिक्सचर है। तो LLP क्या है, एक पार्टनरशिप है, लेकिन पार्टनरशिप से डिफरेंट होता है, जिसमें कुछ या सभी भागीदारों अधिकार क्षेत्र के आधार पर की सीमित देनदारियां होती है, इसलिए यह साझेदारी और निगमों के तत्वों को प्रदर्शित कर सकता है। LLP में प्रत्येक पार्टनर दूसरे पार्टनर के कदाचार या लापरवाही के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं है। देखो, LLP में क्या होता है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या बैंकरप्ट हो जाता है, तो पार्टनरशिप डिजोल्व हो जाती है। ऐसा नहीं होगा कि कंपनी बंद हो जाएगी। और LLP से 2 क्वेश्चन और पूछता है एग्जाम में। एक तो पूछता है कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे, तो 2, और मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं, तो इसका कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम नंबर का इसमें LLP में कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, रूस पर निर्भरता कम करने के लिए जर्मनी ने किस उत्तर पूर्वी देश के साथ ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुवैत, ऑप्शन बी है ओमान, ऑप्शन सी है कतर, ऑप्शन डी है संयुक्त अरब अमीरात, UAE। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कतर के साथ जर्मनी ने समझौता किया है। नेक्स्ट आते हैं, भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत और आर्कटिक सतत विकास के लिए साझेदारी का निर्माण नीति शुरू की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने, ऑप्शन बी है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने, ऑप्शन सी है रक्षा मंत्रालय ने, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, गोल्डन लंगूर एक लुप्त प्राय प्रजाति है जो किस देश की मूल निवासी है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका, ऑप्शन बी है भारत और भूटान, ऑप्शन सी है भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन डी है भारत और नेपाल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, गोल्डन लंगूर कहाँ की लुप्त प्राय प्रजाति है, तो भारत और भूटान की, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।